अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यकीनन आप भी सरकारी मुलाजिम होंगे और तनख्वाह के हवाले से ही आपने वीडियो सर्च की होगी और आप इसको देख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा कि जिसको आप इस्तेमाल करते हुए ये मालूम कर सकते हैं कि इस वक्त जो बजट लगा है उसके हिसाब से आपकी सैलरी में कितना इजाफ़ा हुआ है, आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ चुकी है। तो बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीकाकार है दोस्तों। आपने सबसे पहले अपने मोबाइल में मौजूद कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसा कि आपके सामने मैंने एक इंटरनेट ब्राउज़र गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। जब ब्राउज़र आप ओपन कर लें तो उसके बाद आपने ब्राउज़र के सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली टाइप करना है परसेंटेज कैलकुलेटर। और आपको मैं बताऊँगा कि आप किस तरह अपनी सैलरी जो आपकी बढ़ी है किस तरह मालूम कर सकते हैं कि कितनी आपकी सैलरी बढ़ चुकी है। आपने परसेंटेज कैलकुलेटर टाइप करना है और उसको सर्च करना है तो आपके सामने इस तरह का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी बेसिक जो पे है उसको आपने चेक करना है कि आपकी बेसिक पे कितनी है। तो बेसिक पे आपकी जितनी होगी उसके हिसाब से आपको जो है इजाफ़ा मिलेगा। तो यहाँ पे हम अपनी बेसिक पे इंटर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी जो बेसिक पे है वो 18,500 रुपये है। तो बेसिक सैलरी जो है आपने यहाँ पे लिख देनी है और लिखने के बाद यहाँ पे आपने परसेंटेज का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको जितना भी बजट लगा है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मिसाल के तौर पे मुझे 15% लगा है तो मैं 15 लिख देता हूँ। अगर आपको 10% लगा है, 30% लगा है, जितना भी लगा है तो आपने वो लिख देना है। जैसा कि हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं तो 10 आ गया। यहाँ पे हम 15% के हिसाब से चेक करते हैं कि सैलरी कितनी बड़ी है। आपने यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे इक्वल का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी सैलरी जो है वो इतनी बढ़ चुकी है। तो मेरी सैलरी जो है 2,775 रुपये जहाँ पे बढ़ चुकी है। मुझे यहाँ पे बता दिया गया है कि आपकी सैलरी 15% के हिसाब से इतनी बड़ी है। तो ये तरीकाकार था जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सैलरी में इजाफ़ा ऑनलाइन तरीके से चेक कर सकते हैं।